तो साथियों हम आज वापस से ट्रायंगुलर सीरीज को ही सॉल्व करेंगे। कल हमने कुछ आपको प्रश्न हल करवाए थे, आज हम वापस हल करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रायंगुलर सीरीज। ट्रायंगुलर सीरीज के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो ट्रायंगुलर बेस पर होते हैं, यानी संख्याओं के त्रिकोण के आधार पर होते हैं। चलिए हम अपना आज का पहला सवाल लेते हैं। संख्याएं दी गई हैं 3, 10, 29, 66, 127, उसके बाद आगे हमारा उत्तर आएगा और विकल्प दिए गए हैं 164, 187, 216, 218। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प होगा जो यहां आएगा। हमने कल आपको बताया था, सबसे पहले हम इनके अंतर को देखते हैं। 3 और 10 का अंतर कितना होता है? 7। 10 और 29 का अंतर कितना होता है? 19। 29 और 66 का अंतर कितना होता है? ये होता है 37। कितना होता है? 37। और 66 और 127 का अंतर कितना होता है? 61। अब वापस से हम इनके अंतर करेंगे। 7 और 19 का अंतर कितना होता है? 12। 1937 का अंतर कितना होता है? 18। 37 और 61 का अंतर कितना होता है? ये होता है 24। अब देखिए 7 और 12 19, 10 और 19 मिला के 29, 19 और 18 37, 29 और 37 मिला के 66, 37 और 24 कितने होते हैं? 61, 66 और 61 मिला के 127। अब देखिए 24 यहां है, यानी ये संख्या किस क्रम में आगे बढ़ रही है? 6 के क्रम में। किस क्रम में? 6 के में। तो हमारी अगली संख्या कौन सी आएगी? हमारी अगली संख्या होगी 30। कौन सी होगी? 30। यहां हमारी संख्या 30 है तो 61 और 30 मिला के कितने हो जाएंगे? 91। कितने हो जाएंगे? 91। यहां आएंगे हमारे 91। और हमारी अगली संख्या कितनी होगी? 127 और 91। कितने हो गए? 127 और 91 हो गए 218। कितने हो गए? 218। हमारा सही उत्तर है 218। यहां आएगा 218। आप फिर से समझ लीजिए, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि पहले हम इन संख्याओं का अंतर निकालते हैं, उसके बाद हम अगली लाइन में जो हमारे ये संख्याएं हैं इनका भी अंतर निकालते हैं, और उसको तब तक निकालते हैं जब तक हमें एक निश्चित क्रम नहीं मिल जाता। जैसे हमें यहां मिल गया 6, 6, 6, ये 6 के क्रम में आगे बढ़ रही है। ऊपर की जो दो संख्याएं हैं, सबसे नीचे से ऊपर की दो संख्याएं, उनका योग होता है और वो अगली संख्या में जुड़ जाता है। आप फिर से समझ लीजिए, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि पहले हम इन संख्याओं का अंतर निकालते हैं, उसके बाद हम अगली लाइन में जो हमारे ये संख्याएं हैं इनका भी अंतर निकालते हैं, और उसको तब तक निकालते हैं जब तक हमें एक निश्चित क्रम नहीं मिल जाता। जैसे हमें यहां मिल गया 6, 6, 6, ये 6 के क्रम में आगे बढ़ रही है। ऊपर की जो दो संख्याएं हैं, सबसे नीचे से ऊपर की दो संख्याएं, उनका योग होता है और वो अगली संख्या में जुड़ जाता है। जैसे 3 और 10 का अंतर 7, और यहां देखें 10 और 29 का अंतर है 19, 7 और 19 का अंतर है 12। तो 12 7 19, ये जुड़ के आगे बढ़ गई। इस तरीके से आगे बढ़ेगी ये, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अपना अगला सवाल लेते हैं। इसमें जो संख्याएं दी गई है वो दी गई है 2, 12, 36, 80 और 150, उसके आगे हमारा उत्तर जो आएगा। इसको भी हम सेम तरीके से हल करेंगे। 2 और 12 का अंतर होता है 10, 12 और 36 का अंतर होता है 24। कितना अंतर होता है? 24। 36 और 80 का अंतर कितना होता है? ये होता है 44। और 80 और 150 का होता है 70। अब 10 और 24 का अंतर कितना है? 14। 24 और 44 का 20। 44 और 70 का है 26। 14 और 20 का अंतर कितना आता है? 6। 20 और 26 का 6। तो अगली संख्या हमारी यहां कितनी आएगी? 26 और 6 32। कितनी आएगी? 32। और 32 हमारी यहां संख्या क्यों आएगी? क्योंकि ये 6 के क्रम में आगे बढ़ रही है। 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32। तो हमको क्या करना है कि हम जोड़ेंगे 70 और 32 को। कैसे? 10 और 14 24 यहां जुड़ रहा है, 24 और 20 44 यहां जुड़ रहा है, 44 और 26 70 यहां जुड़ रहा है। इसी तरीके से 70 और 32 कितने हो गए? 102 इसमें जुड़ेंगे। तो 150 और 102 कितने हो गए? 252। कितने हो गए? 252। हमारा सही उत्तर क्या है? 252। यहां आएगा 252। आप समझ गए होंगे। अब ले लेते हैं अपना अगला सवाल, और ये जो सवाल है इसमें संख्या बीच में से मिसिंग है। 2, 9, 28, 126, 217 और 344
इसमें से संख्या जो है वो बीच में से गायब है, आपको बतानी है। प्रश्न जो है वो ट्रायंगुलर सीरीज का ही है, तो इसको हम हल करना शुरू कर देते हैं। तो ये संख्या हमारी दी हुई है, इसमें से बीच की एक संख्या गायब है, इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। 2 और 9 का अंतर कितना होता है? 7। 9 और 28 का अंतर कितना होता है? 19। 126 और 217 का अंतर कितना होता है? तो ये होता है 91 का। कितने का अंतर होता है? 91 का। और 217 से 344 का अंतर कितना होता है? 127 का। 4 संख्या हमें मिल चुकी है, बीच की संख्या हमारी मिसिंग है। 7 और 19 का अंतर कितना होता है? 12। 91 और 127 का अंतर कितना होता है? 36। बीच में हमारी कितनी संख्याएं मिसिंग है? तो देखिए यहां जो संख्या आएगी 7 और 12 19 हो गए, 19 के आगे जो संख्या आएगी वो यहां गायब है। उसके बाद जो संख्या यहां आएगी वो भी मिसिंग है। उसके बाद एक यहां संख्या भी मिसिंग है, क्योंकि ये संख्या ऐसे जुड़ेगी, ये संख्या ऐसे जुड़ेगी, ऐसे करके देखिए ये 2 संख्याएं यहां गायब हैं। इसके अलावा यहां एक संख्या गायब है, क्योंकि ये संख्या इसमें जाएगी और ये संख्या वापस इधर आएगी। इसके अलावा एक संख्या यहां भी गायब है, जो ये बताएगी कि इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे, इसके नीचे। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमारी संख्या मिसिंग है। हमारी संख्या कितनी मिसिंग है? नीचे जाके 3। ऊपर एक संख्या मिसिंग है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर सीरीज है, तो इसमें नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यहां 2 संख्याएं मिसिंग है, यहां 3 संख्याएं मिसिंग है। यहां 12 या 36 है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां संख्या कितनी होंगी। यहां होगी 18, यहां होगी 24, यहां होगी 30 और ये हो गई हमारी 36। आप समझ गए होंगे इस तरीके से। तो देखिए अब हम देखें तो 7 और 12 19, 19 और 18 कितने बनेंगे? यहां यहां होंगे 19 और 18 37। कितने होंगे? 37। 28 और 37 को अगर हम जोड़ें तो यहां आना चाहिए 65। लेकिन क्या ये इसको पूर्णतः संतुष्ट करता है? तो देखिए अगर ये 65 है, यहां यहां 37 आ रहा है, तो 37 और 24 को अगर हम जोड़ें तो यहां कौन सी संख्या आएगी? यहां आएगी 61। कितनी आएगी? 61। 65 और 61 126, इसका मतलब ये संख्या को पूर्णतः संतुष्ट करता है। 61 और 30 91 36 127। तो इसका मतलब है कि यहां जो संख्या हमने लिखी है 65, जिसको पूर्णतः संतुष्ट करती है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 65। क्या आएगा? 65। दोबारा समझ लीजिए कि यहां जो संख्याएं दी गई है उनका अंतर हमने यहां लिखा, लेकिन बीच में 2 संख्याएं मिसिंग है। उन संख्याओं की वजह से नीचे 3 संख्याएं मिसिंग है, क्योंकि ये नीचे की ओर बढ़ रहा है त्रिकोण। तो देखिए जो हमने 12 36 को देखा, बीच में 3 स्थान खाली हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 12 18 24 30 36, यानी 6 के क्रम में ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। हम इसको देख सकते हैं 6 6 6 6, इस तरीके से संख्या आगे बढ़ रही है। साथियों में उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट रीजनिंग की वीडियोस और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।